Hello students, so today we will study the next topic of this chapter, chapter 5, magnetism and matter, that is bar magnet as an equivalent solenoid and magnetic field lines, earth magnetic field and magnetic elements. So similarity between a current carrying solenoid and bar magnet. हमने previous lecture में bar magnet की properties पढ़ी थी. और क्या पढ़ा था, हमने बोला था कि करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करती है, और जैसे कि बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल होता है, करंट कैरिंग लूप में भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है. आज हम पढ़ते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट. मतलब एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, जो सर्कुलर हमारे पास करंट कैरिंग लूप है उसके बहुत सारे लूप्स का कॉम्बिनेशन है, वो स्प्रिंग बन जाता है ना. तो जैसे सोलेनॉइड है वैसे ही बार मैग्नेट है, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं. तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं क्या सिमिलैरिटीज हैं. सो व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ सोलेनॉइड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. जब सोलेनॉइड में करंट पास होता है तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सिमिलर बिहेवियर आर एज फॉलोज. अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जैसे कि बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करो, ठीक है ना, अर्थ पे कहीं भी फ्रीली सस्पेंड करो, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है. मतलब अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ होता है, मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है, और मैग्नेट का साउथ अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है. ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ में भी आपके आगे पढ़ाता हूँ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में. नेक्स्ट इज टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड एग्जिबिट म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन व्हेन ब्रॉट क्लोजर टू वन अनदर. जैसे दो बार मैग्नेट में अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है जब उसको पास लाते हैं, ऐसे ही सोलेनॉइड में भी होता है. So the figure shows the lines of force of bar magnet and lines of force of finite solenoid. अब ये तो है bar magnet. Bar magnet की वजह से magnetic field lines कैसे होती हैं from north to south. Just like ये solenoid है, current carrying solenoid है, तो solenoid में क्या है, ये circular loop है, एक circular loop है, ठीक है, इसमें clockwise current कर रहा है, तो यहाँ south है north है. Next भी ऐसा ही है, तो इस end पे south है, इस end पे north है, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं सोलेनॉइड की, इस तरह होती हैं. तो बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बार मैग्नेट और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं. इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ द बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर एट फार अवे एक्सियल पॉइंट इज सेम. और मैग्नेटिक फील्ड भी फार अवे एक्सियल पॉइंट पे दोनों की वजह से क्या होती है, सेम होती है. तो दीज आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड. सो नेक्स्ट इज अ सोलेनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट. एक सोलेनॉइड जो है हमारे पास, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ये एक तरह से इक्विवेलेंट है बार मैग्नेट के. कैसे इक्विवेलेंट है, तो यहां से समझते हैं. सपोज हमने एक सर्कुलर लूप की बात की थी, एक सर्कुलर लूप में अगर इस फेस से देखें तो यहाँ करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. दैट मीन्स ये वाला फेस जो है सर्कुलर लूप का, ये वाला फेस है यहाँ क्लॉकवाइज मूव कर रहा है अगर, तो ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, मतलब एक करंट कैरिंग लूप एक बार मैग्नेट बन सकती है छोटी सी, जिसके इधर साउथ पोल है इधर नॉर्थ पोल है, यहाँ भी साउथ पोल है नॉर्थ पोल है. फिर ऐसे ही अगला ये वाला सर्कुलर लूप यहाँ भी ऐसे है, इधर साउथ पोल है इधर नॉर्थ पोल है, इधर भी ऐसे है, ठीक है ना. तो अगर हम इस सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा. और यहाँ क्या है, ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये नॉर्थ और साउथ पोल नलीफाई हो जाएंगे, और एट द एंड हमारे पास क्या रहेगा, इस एंड का नॉर्थ पोल रह जाएगा और इस एंड का साउथ पोल. दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस बिग लार्ज बार मैग्नेट. तो सोलेनॉइड एक तरह से बार मैग्नेट की तरह भी, बार मैग्नेट के भी इक्विवेलेंट होती है. ये इक्विवेलेंट का साइन है जो बनाया हुआ है. क्लियर, अब जो मैंने आपको समझाया है उसको देख लेते हैं कैसे लिखना है. अ सोलेनॉइड कैन बी रिगार्डेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर लूप्स प्लेस्ड साइड बाय साइड as shown. Each turn of solenoid can be regarded as a small magnetic dipole of dipole moment I into A. हमने previous class में पढ़ा था. Then the solenoid becomes an arrangement of small magnetic dipoles placed in the line with each other as shown. The number of such dipoles is equal to the number of turns in solenoid. The north pole of one touches the south pole of other. The opposite poles neutralize each other except at the ends. ये सारे बीच वाले poles neutralize कर देंगे except ये जो ends पे north और south pole हैं. Thus a current carrying solenoid can be replaced by just a single south pole and a single north pole separated by a distance equal to length of solenoid. तो solenoid के हम equivalent एक bar magnet बना सकते हैं जिसमें एक south pole है एक north pole है, और जिसके length कितना है दोनों के बीच में, जितना length solenoid का उतना इन दोनों poles के बीच में क्या है लेंथ है, जिसको हम मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं. ठीक है, उतना लेंथ बार मैग्नेट का नहीं होगा, उतना लेंथ कितना होगा पोल्स के बीच में होगा, मैग्नेटिक लेंथ.
हेंस अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्वल टू बार मैग्नेट एशोन. तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड बार मैग्नेट की भी इक्वल होती है. ठीक है, तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? हमने बोला सोलेनॉइड को हम बार मैग्नेट के इक्वल कर सकते हैं, तो क्या बार मैग्नेट को भी सोलेनॉइड के इक्वल कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं. सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ठीक. अभी ये कुछ इसमें भूल जाओ कि ये कुछ करंट दिख रहा है, ये सपोज एक बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट कैसे बना है? बार मैग्नेट में बहुत सारे एटम्स हैं, एटम्स हैं मतलब उसमें न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक तरह से वो क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करेगा. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करेगा. तो ये छोटे छोटे ये एटम्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप की तरह काम कर रहा है. अब ये कोई भी दो आसपास वाले सर्कल्स को देखो, इसमें यहाँ करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये आसपास वाले क्या हो जाएगा, नलीफाई. ऐसे ही ये दोनों वाले अंदर वाले करंट नलीफाई हो जाएंगे, इसके दोनों हो जाएंगे. तो एट द एंड हमारे पे कौन सा करंट आएगा, सिर्फ कॉर्नर पे करंट फ्लो होगा. ठीक है, क्लॉकवाइज दिखेगा जैसे कॉर्नर पे करंट फ्लो रहा है, ऐसे ही थोड़ी आगे बार मैग्नेट में ऐसे दिखेगा कि कॉर्नर पे करंट है ऐसे. तो एक तरह से हमारे को क्या मिल गया, बहुत सारी करंट कैरिंग लूप्स मिल गई, मतलब एक तरह से सोलेनॉइड बन गया वो. ठीक है, ये बेसिक उसका कंसेप्ट है, उसको कैसे लिखना है. सो वी कैन एक्सप्लेन दिस बाय एम्पियर्स हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू विच ऑल द मैग्नेटिक इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय करंट लूप्स. तो एम्पियर हाइपोथेसिस ने क्या बोला कि सारे मैग्नेटिक इफेक्ट हैं वो करंट लूप्स की वजह से होते हैं. द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड इट्स न्यूक्लियस एंड हेंस सेट अप इलेक्ट्रिक करंट. दीज एटॉमिक करंट्स आर इक्विवेलेंट टू स्मॉल सर्कुलर करंट लूप्स. इन अ मैग्नेट दीज करंट लूप्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव करंट इन सेम सेंस. सारी मैग्नेट में सब उसकी सेम सेंस में इलेक्ट्रॉन्स अगर क्लॉकवाइज मूव करें तो सब ही क्लॉकवाइज मूव करेंगे. सो दिस फिगर शोज द एटॉमिक करंट लूप्स इन क्रॉस सेक्शनल ऑफ सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट एट ईच पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट द करंट फ्रॉम द एडजस्टेंट लूप कैंसल ईच अदर एंड हेंस द नेट करंट इज जीरो. दस देर इज अ नेट करंट ऑन द सर्फेस. तो सारा अंदर करंट जीरो हो जाएगा, पर हमारे पास कहाँ रहेगा, सिर्फ बाहर सर्फेस पे नेट करंट रहेगा. ड्यू टू दिस सर्फेस करंट द बार मैग्नेट इज इक्वल टू अ क्लोजली वाउंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड. हेंस अ बार मैग्नेट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू सोलेनॉइड. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. जब हमने करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल की बात करते हैं, सॉरी, जब हम सोलेनॉइड को इक्विवेलेंट बार मैग्नेट के करते हैं तो हम बोलते हैं कि हर करंट कैरिंग लूप का एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उसको हम इक्विवेलेंट बार मैग्नेट बना सकते हैं. सारे अंदर वाले न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एंड वाले नॉर्थ साउथ पोल की वजह से बार मैग्नेट बन जाएगा. और यहाँ क्या है, यहाँ जो अभी हम ये स्लाइड खुला है इसमें क्या है कि एक बार मैग्नेट है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं. तो हर एटम करंट कैरिंग लूप का काम कर रहा है, अंदर सब करंट कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास सरफेस करंट बचेगा. तो ऐसे लगेगा जैसे हम सबकी वजह से बहुत सारे यहाँ पर सर्कुलर लूप्स हैं, करंट कैरिंग लूप्स हैं, करंट कैरिंग डायपोल्स हैं. तो एक तरह की सोलेनॉइड की तरह दिखेगा. सो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड. ठीक है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, सोलेनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट इससे सोलेनॉइड बना सकते हैं और सोलेनॉइड से बार मैग्नेट बना सकते हैं. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो आपको ऐसा ही थ्योरी है. अब नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. क्लियर? सो अर्थ इज अ पावरफुल नेचुरल मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर नियर द अर्थ सर्फेस. तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में हर तरफ है. ठीक है, सो द एक्सिस ऑफ डायपोल मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 20 degrees विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. अभी बताता हूँ ये क्या है. द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एन ऑफ द अर्थ लाइज समवेयर नियर द ज्योग्राफिकल साउथ पोल, वाइल द मैग्नेटिक साउथ पोल लाइज समवेयर नियर अ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. द मैग्नेट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज अबाउट 1 gauss. 1 gauss मैग्नेटिक फील्ड अबाउट होती है. अब इसको डायग्राम से समझाता हूँ, ये जो लाइन्स लिखी हैं. सो व्हाट इज जियो मैग्नेटिज्म, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियो मैग्नेटिज्म. ठीक है, तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, दैट इज टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियो मैग्नेटिज्म. सो लेट स्टडी द अर्थ मैग्नेटिज्म. सो सपोज मेरे पास ये अर्थ है. ठीक है ना, अब ये अर्थ है तो यहाँ क्या है, अर्थ आपने देखा होगा जो ग्लोब है, जो हम ग्लोब देखते हैं
ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे अर्थ रिवॉल्व नहीं कर रही है, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है ना। ग्लोब भी अगर आप देखोगे, ग्लोब थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है, मतलब अर्थ की एक्सिस ऐसे है और इस एक्सिस के अराउंड वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। ये वाली जो अर्थ टिल्ट है, ये एक्सिस है, ठीक। अब अगर मैं ये बार मैग्नेट सस्पेंड करूंगा, ये बार मैग्नेट अर्थ के ऊपर ऐसे सस्पेंड करूंगा कहीं भी, तो बार मैग्नेट ऐसे होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मतलब जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, मतलब एक्चुअल जो नॉर्थ है अर्थ का, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, उसके पास क्या आएगा, मैग्नेट जो हम ऊपर से सस्पेंड कर रहे हैं उसका साउथ पोल, और जो अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है उसके पास क्या आएगा, इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, उसके पास क्या आएगा, इसका नॉर्थ पोल। तो जब हमने ऐसे किया तो साइंटिस्ट ने देखा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ये मैग्नेट ऐसे सस्पेंड क्यों हो रही है। टिल्टेड तो समझ आ गया हमारे को कि ये एक्सिस एक्चुअल में टिल्टेड है, तो ये ऑलमोस्ट 20 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। मैग्नेट जहां सस्पेंड करी, मैग्नेट और अर्थ दोनों के बीच में 20 डिग्री का, मतलब ये अर्थ का सपोज टिल्ट है और ये मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में ये एक्सेस सस्पेंड नहीं होती, ऐसे सस्पेंड होती है, ठीक है, कुछ 20 डिग्री का एंगल है, इतने बात समझ आती है। बट ये साउथ पोल यहाँ क्यों आया, नॉर्थ क्यों नहीं आया, तो हमने उसको इंटरप्रेट क्या किया कि अर्थ के बीच में एक पावरफुल मैग्नेट है, मतलब अर्थ में जो क्रस्ट मेंटल कोर है, आयंस हैं, उसमें अर्थ की रोटेशन की वजह से वो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है अर्थ के अंदर, ठीक है ना। अर्थ एक अपने आप में एक नेचुरल मैग्नेट है, और अर्थ में जो अपने आप में एक नेचुरल मैग्नेट है, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ है, अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मतलब अर्थ एज अ मैग्नेट की बात करें तो उसका नॉर्थ पोल कहाँ है, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, और उसका साउथ पोल कहाँ है, अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है, ठीक है। सपोज मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ है, यहां पर कहीं है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो जब हम ऊपर से कोई मैग्नेट सस्पेंड करेंगे तो क्या होगा, वो नॉर्थ पोल तो मैग्नेट का रिपेल करेगा, दैट मीन साउथ पोल उसके पास आना चाहिए। इसलिए जब हम मैग्नेट सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेटिक साउथ कहाँ आता है, ये जो मैग्नेट का साउथ है जो हमने सस्पेंड किया है, ये कहाँ आता है, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास। ये देखिए, ये मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रखा है, सो दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ एंड दिस इज द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, ठीक है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल तो ज्योग्राफिकली अर्थ ऐसे ही है, थोड़ा सा अर्थ ऐसा, मतलब ये एक्सिस, ठीक है, सपोज ये एक्सिस है, इसके अराउंड अर्थ ऐसे रोटेट नहीं कर रही है, ये थोड़ा टिल्टेड है ऐसे, और अब अर्थ रोटेट कर रही है, उसके हिसाब से हमारे पास सीजन आते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में अलग अलग सन रेज आती हैं, आपने क्लास 10th में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, 9th 10th में, ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी ने नहीं पढ़ा तो वैसे ही इंटरनेट पर जाकर देख लेना कि कैसे सीजन आते हैं, कहाँ, अगर इंडिया में जब गर्मी है तो साउथ अमेरिका में ठंड कैसे होती है, ऑस्ट्रेलिया में ठंड कैसे होती है, वो सब आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी यहाँ क्या समझना है कि अर्थ टिल्टेड है, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ में और अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ में कुछ एंगल है, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है उसके साथ हमारा क्या आएगा, जो हम सस्पेंड कर रहे हैं मैग्नेट, उसका साउथ पोल और यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी मैग्नेट की वजह से, ठीक है। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल, ज्योग्राफी और एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल, क्लियर। सो दिस इज द अर्थ मैग्नेटिज्म, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज ज्योग्राफिक एक्सिस, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ अर्थ। सो ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होगी, जो एक्चुअल में एक्सिस क्या होगी, जो एक्चुअल में ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल से जा रही है, जो एक्सिस एक्चुअल में ऐसे नहीं है, कुछ टिल्टेड है, तो ये क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस है, जिसके अराउंड अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ अर्थ, इट इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इट इज ऑल्सो नोन एज पोलर एक्सिस। तो इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, ये वाले जो यहाँ लिखा है, ये वाली एक्सिस जो है, दैट इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। सो नेक्स्ट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, सो इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। सपोज ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसके अक्रॉस मैं एक प्लेन रख दूं, मतलब एक कॉपी लूं और अर्थ के बीच में से निकाल दूं सपोज, ठीक है, तो ये प्लेन है ना पूरा, सो दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक, एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ ऐसे उससे पास करता हूं, सो इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू अ ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सपोज अर्थ है, अगर ये सर्कल है, वैसे ये अगर स्फीयर होता तो ये प्लेन, ठीक है ना, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से, ये तो एक्सिस होगी, दैट इज ज्योग्राफिक एक्सिस, सो दिस इज ज्योग्राफिकल प्लेन, जो इसके अर्थ के बीच में है, मतलब ऐसे, सो दिस इज ज्योग्राफिकल प्लेन, ठीक, जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करा, ज्योग्राफिक अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल से। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर बेसिकली क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन है, दैट इज
geographic equator. It is a great circle on the surface of Earth in a plane perpendicular to geographic axis. All the points on the geographic equator are at equal distance from the geographic poles. ठीक है, जो हम longitude और latitude की बात करते हैं, ये क्या है, सारा points यहाँ सेम है हर पॉइंट पे, नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी, दैट इज ज्योग्राफिक इक्वेटर. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एक्सिस. सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ. इट इज इंक्लाइंड टू अ ज्योग्राफिकल एक्सिस नियर एट एन एंगल ऑफ 17 डिग्री. सो बेसिकली 17, 18, 19 डिग्री के आसपास अप्रोक्सीमेटली ये टिल्ट होता है. किसमें एंगल होता है? मैग्नेटिक एक्सिस में. ये है मैग्नेटिक एक्सिस और ये है ज्योग्राफिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस बेसिकली क्या है, जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल से पास कर रही है. तो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ है? यहां पर. और मैग्नेटिक साउथ कहाँ है? यहां पर. ठीक है, ये जो मैग्नेट है, ये वाला जो मैग्नेट है, ये तो हमारा मैग्नेट है जो हमने ऊपर से सस्पेंड किया. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज द मैग्नेटिक साउथ. और जो ऊपर से हमने मैग्नेट सस्पेंड कराया तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे अलाइन होगा. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी और आज में भी हमेशा लाइंस पढ़ते हैं, इट अलाइंस इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाती है. ठीक है, बट इसके डायरेक्शन कैसे होती है? इधर यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ. अगर अर्थ का साउथ, अर्थ का नॉर्थ यहाँ है तो मैग्नेट का साउथ यहाँ होगा. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मेरिडियन. अब ये जो पहले ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या था, तो मेरिडियन मतलब एक तरह से प्लेन है जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करता है, दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? एक प्लेन है जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता है. सो इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इक्वेटर. अब हमने मैग्नेटिक इक्वेटर, जो ज्योग्राफिक इक्वेटर पढ़ा था हमने परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिक एक्सिस. सो मैग्नेटिक एक्सिस है ये जो डॉटेड लाइन है, मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर. सो इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस एट द पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स. सारा पॉइंट वहां मैग्नेटिक इक्वेटर पे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. कहां से? पोल्स से. ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड जैसे बनते हैं ज्योग्राफी में, आपने आई एम श्योर आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में. सो दिस इज द अर्थ मैग्नेटिज्म एंड सम डेफिनेशन रिलेटेड टू इट. तो अब हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के. ये जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अगले 2-3 स्लाइड, इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सो द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय 3 पैरामीटर्स विच आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो अर्थ पर किसी भी पॉइंट पे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब करनी है तो उसके लिए हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए होती हैं, और उन 3 पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. तो ये क्या होता है? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन. मतलब जो दो प्लेन्स हैं, दो प्लेन किसके बीच में? एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन. इनके बीच में ये जो एंगल है, ठीक है ना, इनके बीच में ये जो एंगल है अल्फा, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. बहुत सिंपल चीज है. सो सपोज दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. सो दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? जो प्लेन है, वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करता है अर्थ की. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता है. हमें पता है मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में कुछ एंगल होता है, ठीक है, 17-18 डिग्री. पर जो उनके प्लेन के बीच में एंगल होता है, दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज अल्फा, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंड इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लाइन शोन ऑन द मैप थ्रू द प्लेसेस दैट हैव सेम डिक्लिनेशन आर कॉल्ड आइसोगोनिक लाइंस. सो व्हाट आर आइसोगोनिक लाइंस? द लाइंस व्हिच हैव सेम डिक्लिनेशन, उनको आइसोगोनिक लाइंस बोलते हैं हम. लाइंस ड्रॉन थ्रू द प्लेस दैट हैव जीरो डिक्लिनेशन इज कॉल्ड एगोनिक लाइंस. तो ऐसी लाइंस जहां पर डिक्लिनेशन जीरो होता है, सो दीज लाइंस आर कॉल्ड एगोनिक लाइंस. ठीक है, सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा. तो क्या है, सपोज मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, एक मेरे पास कॉपी है कि जैसे ये है, ये फाइल है, ठीक है, इसको मैंने खोल दूं तो ये दो प्लेन हो गए, इनके बीच में जो एंगल है, इन दो प्लेन के बीच में जो एंगल है, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. ठीक, इन प्लेन के बीच में जो एंगल है, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन.
So next is angle of dip or magnetic inclination. Angle of dip और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, वो क्या था, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अल्फा से डिनोट किया था, ये है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, डेल्टा से डिनोट करेंगे. सो द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप. सो ये मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन है, हमने पढ़ लिया, इसके बीच में जो एंगल है अल्फा, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. अब इंक्लिनेशन क्या है, ये है अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में, इस डायरेक्शन में अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक. तो इसका एक, इसका जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एंगल बना रहा है अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, तो बेसिकली ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से डिनोट किया हुआ है. इसका एक ये डायरेक्शन होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक. एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप. सो एंगल, जो एंगल अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बनाता है, ये दिस एंगल इज डेल्टा, दिस इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. सो लाइन्स ड्रॉन अप ऑन अ मैप थ्रू प्लेसेस दैट हैव सेम डिप आर कॉल्ड आइसोक्लिनिक लाइन्स. द लाइन्स ड्रॉन थ्रू प्लेसेस दैट हैव जीरो डिप अगर एक क्लिनिक लाइन, सो जिसमें जीरो डिप है उनको एक क्लिनिक बोलते हैं, जिसका सबका सेम डिप है उन लाइंस को आइसोक्लिनिक लाइंस बोलते हैं, ठीक है. इट इज द मैग्नेटिक इक्वेटर, द एंगल मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होता है, बेसिकली जीरो डिप होती है. वन मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि कहां पर जीरो डिप होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे. द एंगल ऑफ डिप इज जीरो एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट पोल्स. सो एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे जीरो होता है और पोल्स पे क्या होता है 90 डिग्री होता है. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये हमने देख लिया, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक. सो तीन पढ़े हमने, मैग्नेटिक इंक्लिन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसको हम एंगल ऑफ डेप भी बोलते हैं, और तीसरा कंपोनेंट क्या है, तीसरा एलिमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. ये सिंपली जो बी एच, सो एक अल्फा पड़ा, एक डेल्टा पड़ा, और एक ये बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सो बी एच को अगर हम, ये डेल्टा है, ये बी है, तो बी एच कितना होगा, बी कॉस डेल्टा, ठीक है ना, वेक्टर के साथ वाला बी कॉस डेल्टा, और बी वी ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, बी साइन डेल्टा. तो उससे पहले ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, बी कॉस डेल्टा. सो मैग्नेटिक इक्वेटर पे याद रखना है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप जीरो है, एंगल ऑफ डिप जीरो है, कॉस जीरो इज वन, सो बी एच इक्वल टू बी. सो मैग्नेटिक इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के. और मैग्नेटिक पोल्स पे डेल्टा 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक पोल्स पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है. मैग्नेटिक इक्वेटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के होगा, और पोल्स डेल्टा 90 डिग्री होता है तो जीरो होगा. ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, डीवी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा. तो अगर हम इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दिस. ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा होता है. सो बी वी बाई बी एच इक्वल टू टेन डेल्टा, ठीक. अब हमारे पास एक ये है इक्वेशन, एक ये है, अगर मैं इनको स्क्वायर कर दूं दोनों को और ऐड कर दूं, मतलब बी स्क्वायर बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, और बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, और इनको दोनों को ऐड कर दूं, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा क्या होगा, वन. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने. सो बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर वी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ गया, जी आ गया. तो यहां से अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर. सो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको न्यूमेरिकल में निकालना है और आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट दोनों दे रखे हैं, तो आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. और वैसे भी यहां से भी हमें डायग्राम से भी पता चल रहा है कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर बनाना आना चाहिए, ठीक है. अगर आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स पूछेंगे तीनों, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है, थ्री मार्क्स क्वेश्चन आता है. सो दिस इज डेल्टा, दिस इज अल्फा. तो अल्फा क्या है, दो प्लेन के बीच में एंगल है. डेल्टा क्या है, जो मैटो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है, ठीक. और हमने क्या पढ़ा कि दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे बी वी बाई बी एच को, तो वो टैन डेल्टा की इक्वल आएगा. तो यहां से हम एंगल ऑफ डिप भी निकाल सकते हैं. अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट पता है अर्थ का,
तो आप एंगल ऑफ डिप भी निकाल सकते हैं, दैट इज टैन इनवर्स बी वी बाई बी एच, यहाँ से आप डेल्टा निकाल सकते हैं। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैव थ्री एलिमेंट्स, वन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, एंड थर्ड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, बाकी पोर्शन अभी नहीं है इसमें। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी।